हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों, बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मेरे 3 के होने में अभी भी 10 सब्सक्राइबर बाकी हैं। आज हो जाएंगे, मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आज मेरे 3 के हो जाएंगे। तो देखते हैं कब तक होते हैं, अभी तो 10 सब्सक्राइबर बाकी हैं। तो मैं अभी फ़ोन घर पर छोड़ के जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अभी खेत में जा रही हूँ मैं, क्यों, गोबर डालने के लिए। ठीक है, ये गोबर तो पीछा ही नहीं छोड़ता है, तो आप लोग भी चलो मेरे साथ गोबर डालने। ठीक है, एक एक कंडे लेके, तब मेरे थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी निपट जाएगा गोबर। ठीक है, तो चलो आप लोग भी। तो गाइज, अभी चलते हैं गोबर डालने के लिए। और मेरी मम्मी बहुत प्यारी है यार, सच में। मम्मी ने, पता है, मुझे वहाँ जाना पड़ता गौशाला में, यहाँ से थोड़ा दूर है आगे पे, वहाँ से मुझे कंडी पे लेके आना पड़ता, फिर वहाँ तक ले जाना पड़ता। मम्मी ने ना यहाँ पे रखा हुआ है ताकि इसको आसानी हो जाए। मम्मी को पता है ना कि मुझे एडिटिंग वगैरह करनी होती तो मुझे टाइम नहीं लगता इतना, तो मम्मी ने देखो यहाँ पे रखा हुआ है ताकि मैं यहाँ से उठा के सीधे खेत में ले जाऊँ और मुझे थोड़ा आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं, उठाते हैं अपनी कंडी को और चलते हैं खेत में। दोस्तों, सांस फूल रही, बहुत फाइनली पहुंच गई मैं खेत में। पीछे हमारे शंकरनाथ भगवान जी, जय हो शंकरनाथ भगवान, कृपा बनाए रखना सब पे। तो अभी गोबर को डालते हैं खेत में। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने गोबर डाल दिया खेत में, अभी जा रही हूँ मैं घर को। और घर के कामों के साथ साथ YouTube को मैनेज करना या फिर YouTube के साथ साथ घर के कामों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यार कभी कभी, तो कोई बात नहीं, कर लेती हूँ मैनेज। और अभी जा रही हूँ मैं घर को, घर में भी अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी मम्मी घास के लिए जा रखी है, इसलिए क्योंकि मेरी बहन भी घर पर नहीं है ना, तो सारा प्रेशर मेरे पर ही रहता है काम का। लेकिन कोई बात नहीं, करना तो है ही। तो अभी मुझे घर जाना है, मम्मी के आने आने तक मुझे खाना खुना भी बनाना है, खाना मतलब दिन का लंच बनाना है। तो चलते हैं घर, साथ साथ में व्लॉगिंग भी करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, हमारे 3K कम्प्लीट हो चुके हैं, हमारे YouTube में 3K की फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है, और सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यार। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मेरे 3K कम्प्लीट हुए हैं। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मेरी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा शेयर किया है, तो मैं आप लोगों का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी यार, सीरियसली। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने, मतलब मुझे सबसे पहले किसने बताया कि मेरे 3K, मैंने खुद से नहीं देखा। जब मैं गोबर डाल के घर आई, क्योंकि मैंने फ़ोन घर पर छोड़ा हुआ था, तो मैं थंबनेल बनाने लगी थी। ठीक है, तो मैंने YouTube चेक नहीं किया कि मुझे कितने सब्सक्राइबर बाकी है अभी 3K होने में, तो मुझे सीधे पापा का स्क्रीनशॉट और उसके साथ मैसेज कि कांग्रेचुलेशन बेटा कि 3K कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले मुझे पापा ने ही बताया, सीरियसली यार मैं एकदम शॉक हो गई। मैंने कहा है, मैंने YouTube देखा, फिर बहुत ज़्यादा खुशी हुई यार, इस बार तो मतलब रिकॉर्ड हो गया यार, 1 मंथ में 1K सब्सक्राइबर, और सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो थैंक यू सो मच पापा, पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मम्मी भी, लेकिन पापा चेक करते रहते हैं यूट्यूब में कि मतलब कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कि कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, चेक करते रहते हैं। तो इसलिए पापा ने सबसे पहले देखा और पापा ने मुझे बताया, देन मैंने चेक किया। ठीक है, तो फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और मम्मी जैसी आती है, मम्मी अभी घास के लिए गई है, तो जैसी मम्मी आती है फिर मम्मी के रिएक्शन भी आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। ठीक है, सीरियसली यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, तो भाई क्या बताऊँ, आज खुशी का लेवल एकदम। तो गाइज, फाइनली मम्मी आ चुकी है और मम्मी के रिएक्शन देखती हूँ। ठीक है, अभी तक मम्मी को कुछ भी पता नहीं है। तो मम्मा, हेलो गाइज, पहले तो सबको मेरा प्रणाम, कैसे हो आप लोग? सब मस्त हैं और हम भी एकदम मस्त हैं। तो मम्मी मस्त है, नहीं नहीं एक चीज बतानी है, पता है हमारे 3K कंप्लीट हो चुके हैं। 3K ही, 3K नहीं पता चला के मतलब हजार, 3000 सब्सक्राइबर हुई हमारा। अच्छा, अच्छा, केक भी काट दो, अरे तू के काट दियो, बधाई हो, बहुत बहुत आपको भी, बहुत बहुत बधाई मम्मी, हमारे 3000 यार, बधाई आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, आप ही की वजह से सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सेलिब्रेशन करेंगे, तो कोई सेलिब्रेशन नहीं है। अगर हम हर के पे ऐसा केक काटने लगे ना, तो मेरा 100K का वो है, मेरा एम है इस ईयर का। तो अगर मतलब एक केक अगर 500 का भी आता है ना मम्मी,
तो 100K पे कितने हो रहे हैं? 50,000। हाँ ये बना पता ना। पता ना वाले। मैं खुद ही मना कर रही हूँ, जब मैं खुद कमाने लगूंगी तब मैं केक काटूंगी। तब केक तो जितने, काटा हाँ तब जितने मर्जी तो काट लेना, पर हमारे हाँ वही पास तो। नहीं है इतना। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन ऐसे ही खुद से ही कर लेंगे थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन, है ना मम्मी? हाँ क्यों नहीं, ऐसे डांस करेंगे अंदर थोड़ा हमारे अंदर पे पास, ऐसे डिस्को डांस करेंगे। डिस्को तो डांसर। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है यार, सीरियसली बहुत बता नहीं ज्यादा सकते बहुत बहुत हैं, बधाई है मम्मी को ना? मेरी आपको। मोटो, अरे मेरी मुझे भी मोटो। बधाई दी, मेरे वजह से तो तू आगे बढ़ हाँ रही हाँ है। आप ही को तो बधाई भाई, सब आप ही के तो हाँ फैन है वहाँ। हाँ ये मेरा मत कौन सोचना है? क्या। मेरे को कोई पहचानता नहीं भाई, सब आंटी अरे आंटी ऐसे हो। मत बोल, तेरे को भी क्यों नहीं नहीं पहचान, नहीं तो पर मम्मी मेरी हमारे ज्यादा थ्री के, चलती है। बिल्कुल भाई आप ही की चलेगी, मॉम इज मॉम। तो कंग्रेचुलेशन मम्मी, हाँ ज्यादा नाटक मत। कंग्रेचुलेशन। हाँ हाँ धन्यवाद बहुत ये बहुत बाबा खाना आपका। एटीट्यूड दिखाने भाई माँ। तो अभी हम खाना खुना खाते हैं, क्योंकि फिर से खाना खुना बोल दिया यार, मेरे को कमेंट भी आ रखे थे, मेरे मुंह खाना में बार बार ऐसे आता खाना खुना। खाना खाना। सुन दो, खाना खुना बाजार बुजार ऐसे आता है मेरे मुंह में, आप लोगों के भी आता होगा, लेकिन अब मेरी आदत ही पड़ गई यार, तो मैं कोशिश करूंगी आदत तोड़ने की। तो हम खाते हैं खाना, ठीक है दोस्तों? तो दिन में खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, थोड़ा आराम कर रही थी, तो अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो अभी मुझे जाना है गोबर डालने के लिए, सिर्फ मुझे ही नहीं मम्मी को भी जाना है। तो मम्मी गई है अभी गौशाला, और मम्मी भर रही है कंडे, तो मैं दरवाजा दरवाजा बंद करके चलती हूँ गौशाला। तो आपको मिलती हूँ सीधे गौशाला में, ठीक है गाइज? आ चुकी हूँ मैं गौशाला में। से हाय मम्मी। हाय। और मनीषा ने कहा था हमारी भैंस को भी इंट्रोड्यूस कराना, तो ये है मनीषा लोगों की भैंस, ठीक है मनी? अब खुश रहना, ये ले नज़दीक से देख ले। तो अभी मैंने मनी की भैंस को भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो मम्मी कंडा भर रही है, मिल ले ये वाला कंडा, और मम्मी का वो वाला कट्टा है, तो इसको ले जाते हैं खेत में। तो आपको मिलते हैं सीधे खेत में, ठीक है? तो दोस्तों अभी मैं आधे रास्ते में पहुंची हूँ, और आज तो बहुत भारी हो रहा है यार, मैं रुक रुक के जा रही हूँ, मम्मी तो काफ़ी आगे चले गई, क्योंकि थोड़ा गीला है शायद से गोबर ना, तो इसलिए ज़्यादा भारी हो रहा है। फिलहाल हमने गोबर डाल दिया है, फिलहाल तो इतना गोबर हुआ है यहाँ पे, अभी हमने और भी लेके आना है। और दिन तो वैसे मैं एक एक कंडी लेके आती थी, और आज तो सेलिब्रेशन का दिन था, तो मम्मी ने आज मेरे से दो दो कंडे डलवाए मोल के, यानी कि गोबर के, ठीक है? क्यों मम्मी नहीं इतना भाई अत्याचार क्यों? पहले यहाँ देख, यहाँ देखो, पहले बता, आज सेलिब्रेशन होना था ना 3K का। कोई बात नहीं बेटे, काम करना जरूरी है। काम नहीं करती मैं, काम क्यों नहीं करती है, पर आज नहीं। जरूरी था ना। सुनो सुनो, आज जैसे ना, अभी तो सुनो तेरे से सुनो, कुटवाऊंगी अभी, रुक आज जा तू। सुन दो मम्मी, हाँ आज वैसे ना मतलब 3K सेलिब्रेशन था, तो मेरे हिसाब से आज 3 कंडे मोल के पड़ने चाहिए थे, है वही तो, ना? अभी दो चलो हुए। नहीं उसके बदले तो झंगोरा कूटते हैं ना घर हाँ में। है ना, तीसरा हाँ काम, चल ये सही बोला। तीसरा काम, अभी झंगोरा रखा हुआ है मम्मी जितने ने के कूटने के लिए। होंगे उतना ही काम होगा बाप उसी रे, के। 100K के दिन तो क्या होगा हाँ तब? वो तो भाई ये तो गलत रूल है भाई, जितने के होंगे उतना ज्यादा काम। हमें आज मतलब थोड़ा मुझे रेस्ट मिलना चाहिए था। खैर सेलिब्रेशन देख सकते हो, पहाड़ी सेलिब्रेशन कुछ इस प्रकार से, ये गोबर देखो के हमारी साथ। ढकोली, ये ढकोली देखो हमारी, ढकोली पे मम्मी ने कंडी बना देखो रखी है, ये देखो ढकोली देखो, इसमें ना पहले हमारे सास ससुर क्या अनाज आटा, रखते थे। अनाज रखते थे, आटा रखते थे इसमें, जैसे हाँ गेहूं सुखाते थे इसमें भर के ना सीधे चक्की पे ले जाते थे, वही तो तो, ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने काखे लगाए। कंडी बना दी। तो अभी मम्मी मेरे से कुछ और भी काम करवाएगी, अब क्या ही बोले यार, आज के दिन मतलब सेलिब्रेशन गया भाड़ में, मम्मी ने सेलिब्रेशन की ऐसी तैसी कर दी। गाइज अभी हम जा रहे हैं घर, और घर में आपको पता ही, अभी बताया मम्मी ने कि अभी झंगोरा कूटना है, और बहुत दिन से ना आप लोगों के एंटरटेन के लिए मम्मी ने कोई भी गाना नहीं गाया, तो मैं मम्मी को बोलूंगी एक गाना हो जाए अपने फैंस के हंसते लिए। हंसते कट कट जाए जाए रस्ते, रस्ते, जिंदगी यूं ही गुजरती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ये मत बोलना कि सुर में नहीं बोला, वही तो, इतना याद भावनाओं रखना। को समझो यार, ठीक है? ये भावना भावनाओं समझो। को समझो, शब्दों को समझो तुम, ठीक है? ऐसा मत बोलना कि आवाज अच्छी नहीं है, ठीक है? हाँ बुढ़ापा भी आ गया। रानू मंडल तो मैं हूं नहीं। वही तो। तो अभी चलते हैं घर को, कमेंट में जरूर बताना मम्मी की आवाज आपको कैसी कैसी लगी, लगी ठीक मेरी है? सुरीली सी आवाज, कोयल फैन तो हो ही सी आप मम्मी के, मुझे पता है। कोयल सी तेरी बोली, न्यू सॉन्ग, कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु। सूरत है कितनी भोली, अच्छा मिले सॉन्ग, मिले रंग तेरा पता नहीं क्या यार, मैं भूल जाती बहुत भूल गए मम्मी गाना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको नया सॉन्ग देखने को मिलेगा मम्मी का, ठीक है?